आपके लिए एक बहुत खूबसूरत जगह रजवाड़ों के शहर से, राजस्थान से उदयपुर सिटी लेके आया हूं। गाइस, मैं आपको आज अपने साथ अपने सफर में उदयपुर की सिटी पूरी घुमाऊंगा। वन डे टूर विद मी कनन मल्होत्रा, लेट्स गो। अंदर क्या क्या है। फाइनली मेरी मील आ चुकी है और अब मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। ये है चूर चूर नान विद दाल मखनी। गाइस, जहाँ से मैंने अभी खाना खाया है, द ढाबा से, और मुझे आफ्टर मील इन्होंने ये राजस्थानी स्पेशलिटी जिसका नाम है मक्की की राब। जैसे कि आपने दाल भाटी चूरमा तो सुना ही होगा क्योंकि वो बहुत फेमस है, ये भी एक स्पेशलिटी है राजस्थान की, मक्की की राब। इट्स लाइक अ स्वीट कॉर्न सूप, बट ये लोग बनाते हैं मक्की और साथ में छाछ को बॉईल करके उसमें बनाया जाता है। इट्स रियली यम, रियली टेस्टी। आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी अनजान शहर में जाते हो और वहाँ पे आपको इतना प्यार करने वाले फैंस मिलते हैं। एंड आपका नाम क्या है? गीता जी हैं, इन्होंने मेरे शोज देखे हैं तो इन्होंने मेरे से एक फोटो खिंचवाई, और थैंक यू सो मच गीता जी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में लेके चलता हूँ फटाफट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और डेस्टिनेशन बहुत सारी, तो फॉलो। मुश्किल होती है लेकिन ऊंचाइयों का नजारा सबसे सुहाना होता है, और मैं इस वक्त हूं उदयपुर सज्जनगढ़। और इस जगह के चार नाम है, पहला सज्जनगढ़, दूसरा हंटिंग पैलेस, तीसरा रूठी रानी का महल, चौथा मॉनसून पैलेस। गाइस, ये 18th सेंचुरी में बना था और ये 3000 फीट ऊपर ऊंचाई पर है। तो आइए मैं आपको सज्जनगढ़ घुमाता हूं मेरे साथ, कम ऑन। गाइस,
पूरा उदयपुर देख सकते हैं और मेरे पीछे पूरा उदयपुर आपको दिखता है। ये लेक फतेह सागर लेक है, जहां पर इस लेक का शेप पूरी भारत की तरह बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे भारत का मैप दिखेगा। जब पूरा भारत एक था, सब लोग एक थे, तब इस लेक का निर्माण हुआ था। और तब किले में भी एक सुरंग है। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो सुरंग। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये है कि ये सुरंग चित्तौड़गढ़ निकलती है और इस सुरंग से पृथ्वीराज सिंह चौहान गए हुए। इंटरेस्टिंग जगह है जो यहाँ के राजा सचिन सिंह, उनकी 16 रानियां थी एट द एज ऑफ 25, पर उनकी एक मेन रानी थी जो थी रानी कोमला देवी। और जब भी वो रूठ जाती थी तो राजा अपनी रानी को इस महल में लेके आते और ये जगह, ये पूरी जगह सुसाइड पॉइंट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो अपनी रानी को यहाँ पर लाते गिराने की धमकी देते थे और रानी मान जाती। सो इंटरेस्टिंग कि एक राजा अपनी रानी को किस तरीके से प्यार कर सकता है, अपनी रानी को अपने से दूर ना करने के लिए वो क्या क्या चीजें कर सकता है। तो आई थिंक सो दैट्स कॉल्ड ट्रू लव। के लिए हमें
सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती है मर्दाना पैलेस, किंग्स पैलेस में। और ये एंट्री है, जब भी किंग यहाँ पे आते थे तो वो गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके अपने पैलेस में एंटर करते थे। बात और कि ये मूर्ति सिंगल पीस में बनी हुई है और ये मूर्ति का निर्माण 400 ईयर्स एगो हुआ था, 400 साल पहले। कम ऑन गाइस, देख रहे हैं वो महाराणा प्रताप का है और उनका आर्मर है, जब भी वो फाइट के लिए जाते थे या तो इस आर्मर का वेट है 35 kg, वो हमेशा पहनते थे इस आर्मर को जब भी वो किसी युद्ध के लिए किसी फाइट के लिए जाते। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप है, ये उनका घोड़ा है चेतक। अब घोड़े में क्या अलग है, घोड़े में अलग है उसका ट्रंक, ये आर्टिफिशियल लेदर का ट्रंक लगाते थे ताकि कोई भी हाथी कंफ्यूज होकर इन पर अटैक न करे। इसमें छोटे दरवाजे रास्ते इसलिए बनाए गए हैं नैरो डोर्स ताकि कभी भी पैलेस में अटैक हो तो एक एक करके एनिमी उसे एक साथ ना घुस पाए। तो हर एंट्रेंस पैलेस के अंदर जाने वाली बहुत छोटी है और बहुत छोटे रास्ते हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस मेरे पीछे। और वेंटिलेटर का बहुत अच्छा खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है, पर ये सब डिजाइन 407 पहले का है। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड गाइस। इस वक्त ऊपर चढ़ के फोर्थ फ्लोर पे आया हूँ, पर फोर्थ फ्लोर हिल्स में है तो इसे ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है। और आप देख सकते हो कि कितनी अमेजिंग चीज है यहाँ पे, बिल्कुल ये ट्री है, आप देख सकते हैं फोर्थ फ्लोर पे वो ट्री की रूट्स है और वो ट्री है। एंड मेरे पीछे इस ट्री के पीछे आई ये जगह है, इस जगह को कहा जाता है गार्डन फॉरेस्ट। और इस जगह पर जब भी राजाएं सब लोग इन्होंने स्पेशल ये जगह बनाई थी होली खेलने के लिए, और यहाँ पे सब लोग होली खेलते थे। फेस्टिवल्स, दिवाली फेस्टिवल्स यहीं से खड़े होकर उनके साथ मनाते थे। एंड यहाँ से आपको पूरा का पूरा उदयपुर दिखेगा, पैनोरामा व्यू उदयपुर का। उदयपुर की फर्स्ट लाइब्रेरी है एंड यहाँ पे जो फैन रखा हुआ है, ये फैन कैरोसिन से ऑपरेट होता है। मुझे एक चीज पे रिग्रेट हो रहा है अपनी लाइफ में कि काश मैं भी राजा होता और मैं भी इस लाइफ का, इस जगह का पूरा लुफ्त उठा सकता। Come on guys, मैं आपको आगे और बहुत चीजें दिखाऊंगा, फॉलो मी।
नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेके चल रहा हूं और वो है बोट राइड जग मंदिर आइलैंड। तो फॉलो मी। Good ride.
ये खाना खा के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घर का खाना खाया। वेरी गुड। और ये था मेरा सफर उदयपुर का। गाइस आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत मजा आया हो। पर बहुत जल्द मैं आपको फिर दोबारा मिलूंगा एक नई डेस्टिनेशन के साथ, नए लोगों के साथ, वहां के कल्चर के साथ। टिल देन मेरे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, करण मल्होत्रा। चाओ, बाय बाय।